नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कोरोना वायरस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को अपनी गिरफ्त में मजबूती से जकड़ लिया है। 32 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में 5,30,000 पॉजिटिव केस हैं और 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यह अमेरिका के 100 साल के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदी है। यह इतना भयावह इसलिए भी है कि अब यह परमाणु क्षेत्र तक पहुंच गया है और यहाँ के डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है जैसे किसी एटम बम पर खड़े हैं। वह देश जो अपनी मेडिकल फैसिलिटी को लेकर दुनिया भर में धौंस जमाता रहा, वहां यह स्थिति क्यों पैदा हुई है? क्या यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनदेखी का नतीजा है? अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की माने तो एक हेल्थ वर्कर ने काफी पहले ही पैनिक बटन दबा दिया था, लेकिन सरकार उनका इशारा समझ नहीं पाई और नतीजा यह है कि ट्रंप अपने से कमजोर देशों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। जनवरी में डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनस अफेयर की सीनियर मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर कार्टर मर्चर ने अलर्ट करते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर आप इसे छोटा करते हैं यह बुरा होने जा रहा है। कोरोना से लड़ने की परियोजना की साइज पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने यह चिट्ठी 28 जनवरी को नौकरशाहों को लिखी थी, जब देश में कोरोना का पहला केस सामने आ चुका था। हालांकि ट्रंप को फैसला लेने में 6 सप्ताह का वक्त लग गया, तब तक कोरोना बड़ा संकट पैदा कर चुका था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मर्चर देश की पब्लिक हेल्थ नौकरशाहों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने आगाह किया था कि यह बीमारी देश में लाखों लोगों की जान ले लेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, मेरे स्कूल बंद करने की मांग पर आज मेरा आप सब मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप जरूर पछताएंगे। रेड डोन नाम के ग्रुप के नाम चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, मैं गिड़गिड़ा रही हूं, कृपया कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दें। वह तब गिड़गिड़ा रही थी जब ट्रंप ने ठीक जनवरी में ही कोरोना वायरस को बेहद छोटी समस्या बताया था और कहा था कि अमेरिका इससे निपट लेगा। उन्होंने न सिर्फ वायरस की गंभीरता को कम आंका बल्कि दूसरे मुद्दे पर काम करते रहे। यहां तक कि व्हाइट हाउस के विशेषज्ञ सलाहकार से लेकर खुफिया एजेंसियों ने खतरे को भांप लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधियों का मानना है कि वह खतरे के पैमाने को समझ नहीं पाए और न ही उस हिसाब से उनकी तैयारी रही। वह इकोनॉमी से हो रहे फायदे को बचाने में लगे रहे और वरिष्ठ अधिकारियों की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। हालांकि उन्होंने एक अच्छा काम यह जरूर किया था कि जनवरी के अंत में चीन की यात्रा पर बैन लगा दिया। दरअसल चीन से कैसे निपटा जाए इसको लेकर प्रशासन के अंदर ही मतभेद थे। वायरस से शुरुआत में न निपटने के पीछे यह वजह भी थी कि वे व्यापार सौदे पर चर्चा के दौरान चीन को नाखुश नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में जिस तरह से ट्रंप ने चीन को लेकर बैन दिया, वैश्विक संकट के बीच दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे हो गए। लेकिन पूर्व और मौजूदा अधिकारियों के इंटरव्यू और मेल से पता चलता है कि संकट को लेकर जारी अलर्ट पर उन्होंने नजर नहीं डाली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जनवरी की शुरुआत में ही वायरस के प्रसार को लेकर खुफिया सूचना मिली थी। वहीं 29 जनवरी को ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नोवेरो ने खतरे को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि देश में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है और कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। 30 जनवरी को हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी एलेक्सन आजार दिखते ने भी ट्रंप को कोरोना को लेकर चेतावनी दी थी। 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने दूसरी बार फिर आगाह किया था। हालांकि एलेक्स ने फरवरी में घोषणा की थी कि सरकार ने 5 शहरों में सर्विलांस शुरू करने का फैसला किया है। मार्च में ट्रंप ने माना कि देश में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और इसके बाद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू किए गए, लेकिन मामला तब तक हाथ से निकल चुका था। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अनुमति, जय हिंद।